इतनी बजे शुरू होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला। यह होगी भारतीय टीम की स्क्वाड और प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का ऐलान हो चुका है, जिसके लिए कई शानदार खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह मिली है। तो दोस्तों, हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये T20 मुकाबले कब खेले जाएंगे और साथ ही टीम इंडिया की स्क्वाड क्या है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ इन 5 मुकाबलों की T20 सीरीज को क्लीन स्वीप करें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो वो भी युवा खिलाड़ियों के साथ ही मैदान पर उतरेगी, जबकि टीम इंडिया भी कुछ नए खिलाड़ियों को मौका जरूर देना चाहेगी। वैसे देखा जाए तो भारतीय टीम में तो कई दमदार खिलाड़ी मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उनके पास भी अच्छी खासी स्क्वाड मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे मिचेल सैंटनर, जो कि काफ़ी शानदार ऑलराउंडर की भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं। टीम इंडिया के खिलाफ जब पिछली बार सीरीज हुई तब भी यही खिलाड़ी इस टीम के लिए यहाँ पर कप्तानी करते हुए नजर आए थे, क्योंकि इस टीम के कप्तान केन विलियमसन फिलहाल चोटिल हैं। वहीं पर दूसरे खिलाड़ी के तौर पर हमें फिन एलन दिखने वाले हैं, तो तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मार्क चैंपियन दिखेंगे, चौथे खिलाड़ी के तौर पर डेविन कॉनवे नजर आने वाले हैं, तो पाँचवे खिलाड़ी डेन क्लेवर होंगे, जबकि छठे खिलाड़ी के तौर पर जेकॉब डप्पी उतरेंगे, तो सातवें खिलाड़ी लॉकी फर्ग्यूसन होने वाले हैं, आठवें खिलाड़ी के तौर पर बेन लिस्टर उतरेंगे, तो नौवें खिलाड़ी के तौर पर डेरियल मिचेल उतरने वाले हैं, दसवें खिलाड़ी के तौर पर ग्लेन फिलिप्स उतरेंगे, तो ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर माइकल रिपन उतरने वाले हैं, तेरहवें खिलाड़ी के तौर पर हेनरी सिपली उतरेंगे, तो चौदहवें खिलाड़ी के तौर पर इस सिडी व पंद्रहवें खिलाड़ी ब्लेयर टिकनर उतरने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो बल्लेबाजी भी इस टीम के पास काफ़ी शानदार है, जबकि गेंदबाजी में भी ये टीम कमाल कर सकती हैं, क्योंकि मार्क चैंपियन जैसे ऑलराउंडर भी इस टीम के पास हैं, जो कि यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल की कमी को पूरा कर सकते हैं इस टीम के लिए, क्योंकि माइकल ब्रेसवेल इस टीम का हिस्सा नहीं है। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के वॉइस कैप्टन के तौर पर हमें सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। इसके अलावा टीम में यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह को भी मौका मिलने वाला है, यानी कि चार खिलाड़ी टॉप के ये हैं। इसके बाद दोस्तों, टीम इंडिया में पांचवें खिलाड़ी के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को जगह मिलेगी, तो छठे खिलाड़ी विकेट कीपर ईशान किशन होने वाले हैं, सातवें खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल हमें नजर आएंगे, तो आठवें खिलाड़ी चित्तेश शर्मा होंगे। वहीं पर दोस्तों, आठवें खिलाड़ी के तौर पर राहुल त्रिपाठी दिखेंगे, तो नौवें खिलाड़ी के तौर पर कुलदीप यादव होने वाले हैं, दसवें खिलाड़ी यजवेंद्र चहल, तो ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर अर्शदीप सिंह दिखेंगे। वहीं पर बारहवें खिलाड़ी के तौर पर शिवम माविक को जगह मिलेगी, तो तेरहवें खिलाड़ी मुकेश कुमार होंगे, जबकि चौदहवें खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल टीम इंडिया का हिस्सा होने वाले हैं, तो पंद्रहवें खिलाड़ी के तौर पर हमें दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो भारतीय T20 टीम काफ़ी खतरनाक नज़र आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी इस पहले T20 मुकाबले के लिए। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, तो उनके साथ होंगे ईशान किशन। दोनों खिलाड़ियों से यहां पर टीम इंडिया को काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, तो नंबर 4 पर टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या उतरने वाले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों से भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी, जबकि दोस्तों नंबर 5 पर हमें राहुल त्रिपाठी खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज की भूमिका यहां पर निभाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे जितेश शर्मा, जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 7 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे अक्षर पटेल। इनसे भी यहां पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद टीम इंडिया को होगी। इसके बाद दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर शिवम मावी खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 9 पर खेलते हुए दिखेंगे कुलदीप यादव, जबकि नंबर 10 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे टीम इंडिया की तरफ से यजवेंद्र चहल, तो नंबर 11 पर खेलते हुए दिखेंगे अर्शदीप सिंह। यानी कि दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। तो दोस्तों, क्या लगता है पहले T20 मुकाबले में इंडिया जीतेगी या फिर न्यूजीलैंड? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।